यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आतंकी साजिशों का भंडाफोड़ करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आतंकी साजिशों को नाकाम करने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और हथियार सप्लायरों के गठजोड़ का नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने यूपी के अमरोहा, हापुड़ और पंजाब के लुधियाना में ये छापेमारी की। वो लड़का इसी चक्की पे नाजवाज पीएसआई का काम करता है, लेकिन पढ़ा हुआ मौल भी है वो। ये उसकी गलती है समझ लो, कि मौल भी होने के नाते कि इतना बड़ा उसके एनआईए की टीम उसको छानबीन कर रही, कंधे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अल्लाह जो करेगा, अगर वो बेगुनाह तो बिल्कुल छूटेगा साहब। इससे पहले 11 जनवरी को भी यूपी के अमरोहा, लखनऊ, मेरठ और हापुड़ सहित करीब 17 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था। एनआईए की छापेमारी, यूपी और पंजाब के 7 ठिकानों पर छापेमारी, यूपी के अमरोहा और हापुड़ में एनआईए का छापा, पंजाब के लुधियाना सहित 7 ठिकानों पर छापेमारी। 11 जनवरी को एनआईए कर चुकी है छापेमारी। दिल्ली और यूपी के 17 ठिकानों पर मारा था छापा। मॉड्यूल के कथित सरगना को एनआईए ने हिरासत में लिया। पूछताछ के आधार पर फिर की गई कार्रवाई। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस का ये मॉड्यूल 26 जनवरी के दिन देश को दहलाने की साजिश में था, लेकिन एनआईए ने इस आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया और अब भी एनआईए की ये कार्रवाई जारी है और कई संदिग्ध लोग एनआईए के रडार पर हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।